उनको ये बता सके कि दलाल मोदी जी देखिएगा अब वो बुखला गए। उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांगे थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी का गुणगान किया था। चौधरी देवीलाल जी एक कदावर किसान नेता थे, उन्होंने आपको याद हो तो चौधरी देवीलाल जी ये कहा करते थे कि अगर आप मेरे को वोट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन इन कच्चे वालों को वोट मत देना, अपना एक एक वोट से कांग्रेस को दे देना। ये बात चौधरी देवीलाल जी कहा करते हैं और ये उन्हीं के पोते हैं। मैंने भी कल उनका इंटरव्यू सुना था, जो हर बात को टाल रहे थे, वो MSCP की बात कर रहे थे भी, अगर वो किसान को उस रेट नहीं मिलेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब एक मंडी खत्म हो जाएगी, पैरेलल प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, तो MSC देगा कौन, कैसे सुनिश्चित करेंगे? अगर सरकार इतना ही चाहती है कि हम MSC देंगे तो भाई क्यों नहीं वो इस कानून के साथ साथ वो एक लाइन लिख रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने 3 अध्यादेशों के माध्यम से काले कानून लाने का काम किया है, जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों किसान किसानी को बेचने का काम किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज राष्ट्रपति मोदी के माध्यम से हम ज्ञापन भी देंगे और धरने के माध्यम से हमारे साथी रोज प्रकट भी कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगाने का काम भी करेंगे। कल का दिन काला दिन माना जाएगा, देश के लिए भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और इस सदी का अगर दिन माना जाएगा तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। जब ये 3 अध्यादेश आए हैं, इससे किसान है डेथ वारंट में साइन हुआ है, तो इससे बुरा दिन पिछले सदी का नहीं। देखिए, सही मायने में जिस तरीके से कल 3 काले कानूनों को मोदी सरकार ने पास किया है, जन विरोध के बाद, किसानों के विरोध के बाद, तो सही मायने में सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जहां जैसे जो तानाशाही हमारी लोकशाही को बदलती जा रही है, एक व्यक्ति के मन की बात को तवज्जो देने के लिए जो आम जन की बात है उसको दरकिनार किया जा रहा है, तो उसी के लिए आज है कि तीनों जो अध्यादेश अब कानून बन चुके हैं उनको वापस लेने के लिए। और सही मायने में जो किसानों का हित है, किसान क्या कह रहे हैं, किसान सिर्फ केवल ये कहते हैं अगर आपने ऑर्डिनेंस पे सही मायने में इनको बिल बनाना था, इन कानूनों को लेकर आना था, तो उनकी एक ही मांग थी कि MSP को इसके अंदर डाला जाए, कि लिखित रूप में प्रशासन और सरकार ये एक आश्वासन तो देने का काम कर रही है, मगर पहले भी आश्वासन तो बहुत दिए हैं, पहले 15 लाख रुपए यहाँ पर हर किसी की जेब में डाले जाएंगे, और अनेकों यहाँ की सरकार ने आश्वासन दिया था 5100 बुढ़ापा पेंशन होगी, अनेकों 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, वो आश्वासन से कुछ नहीं होता। जब तक आप लिखित रूप में नहीं देंगे तब तक इस तरह का आंदोलन चलता रहेगा, तो उन्हीं किसानों मजदूरों जो छोटे व्यापारी आड़ती हैं उनकी मांग को लेकर हम आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जिला स्तरीय प्रदर्शन। देखिए, पूरी तरीके से आपको ध्यान होगा जो पहला कानून ये बदलाव लेने की कोशिश कर रहे थे, जो जनता के विरोध में बड़े उद्योगपतियों के हित में जो था, वो ये भूमि अधिकरण कानून की बात थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अगुवाई की थी, किसानों और सभी संगठनों ने साथ दिया था और उस कानून को वापस ले जाने का काम हमने करवाया था, ताकि मोदी सरकार 3 बार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और वो पारित नहीं हुआ। इस बार भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हमारे कल जैसे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक ये सरकार इस कानूनों को वापस नहीं लेती या इसमें जो बदलाव है, जो MSP की मांग है उसको पूरा नहीं करती, तब तक कांग्रेस पार्टी सभी संगठनों के साथ मिलकर आम जनता की आवाज़ को इस तरीके से उठाती रहेगी। आज जो हमने कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन रखा है, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आदेश से पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन रखा है, क्योंकि आज किसान विरोधी और जो व्यापारी विरोधी और मजदूर विरोधी जो कानून 3 अध्यादेश जो पास किए गए हैं, जो केवल और केवल
प्रधानमंत्री के हित की वजह से।